चुन्नी ठीक करो, चुन्नी हेलमेट लगाया करो, हेलमेट ठीक है, हेलमेट डाल लो। अब सही है, हाथ तो नहीं रखता भाई, हेलमेट यार दोनों डाल लो, हेलमेट डाल लो यार। रोज निकालोगे, दो तीन बार निकाल दी, समझ रहे हो? क्या बात है बाबा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, और आप लोग कैसे हो फटाफट कमेंट करके बता दो। और यार आज ना आपको एक बढ़िया सा मोटो ब्लॉग दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली, और शाम के 5 बज रहे हैं समथिंग। 3 घंटे जो है मुझे पहुँचने में यहाँ से लग जाएंगे, 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। और यहाँ देखो जैसे ब्लॉग स्टार्ट करा, मैडम का हंसना कूदना शुरू हो गया। लेकिन यार मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली में ना भाई अपने को कुछ काम है, क्योंकि बहुत जल्द जो है मैं केदारनाथ यात्रा पे जाने वाला हूँ। तो एक लंबी राइड होगी अपनी, काशी को लेके जाऊँगा, तो काफ़ी सारा ना मुझे सामान वगैरह लेना है, तो वहाँ से वो लेना है और कुछ दोस्तों से मिलना है। तो अब यहाँ से मैं चलता हूँ, और उसके बाद ना सीधे आपसे काशी पे मिलता हूँ। केयर्स वगैरह मैं डाल लेता हूँ यहाँ पर। देखो भाई ये अपनी जैकेट रॉयल एनफील्ड की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। अगर लंबी राइड करो ना आप लोग भी, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखा करो। काफी ज्यादा वो देता है, मतलब हेलमेट ना इससे टाइट हो जाता है। ये मैं आ चुका हूँ अपनी काशी पे, और भाई अभी शाम के बज रहे होंगे 4:30, लेकिन भाई भयंकर वाली गर्मी है और खतरनाक वाली धूप है। फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, और थोड़ा हाईवे पे चलने के बाद जब जंगल वाला एरिया आ जाएगा तो अपने को ये धूप कम लगेगी। और अभी अपने को काशी में पेट्रोल भी कराना है। ओहो क्या बात है, वैसे यार काशी काफ़ी ज़्यादा गंदी लग रही होगी भाई, मैंने वॉश वगैरह नहीं कराई है, क्योंकि सोचा था कि दिल्ली से जब आऊँगा, दिल्ली से आने के बाद तभी इसे वॉश कराऊँगा। ओ मई का महीना, ऊपर से यूपी, खतरनाक गर्मी। तब अपनी काशी ना भाई चल चुकी है जब से मैंने लिए 3144 किलोमीटर, और अब ये चल जाएगी फिर से 400 किलोमीटर, 200-250 जाना और भाई 200-250 आना, तो समथिंग 450 तो चलने ही वाली है। और भाई 5000 पे अपन को करानी है इसकी सर्विस, लेकिन अपन क्या है कि 5000 से पहली सर्विस कराएंगे केदारनाथ जाने से पहले, एकदम काशी को दोबारा से तैयार कराएंगे। तो और तुम्हारा भाई ना भाई काफ़ी दिन बाद ब्लॉग कर रहा है, तो पता है क्या आदत छूट जाती है यार इसीलिए, और मेरी ऐसी आदत छूटी है ना, इतनी गंदी वाली आदत छूटी है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। तो भाई चेक करो भयंकर बाबा, आगे जो गाड़ी है ना क्या खतरनाक वाला धुआं दे रही है, ये देखो भयंकर। क्या बात है, क्या बात है, हर हर महादेव शंभू, काशी विश्वनाथ गंगे भोलेनाथ सबके साथ। कैमरा है इसमें, हेलमेट के संगे था लक्षण को अलग से कितने का था? 40 से 50 हजार, 1,60,000, 65,000, 140 तक तो मैं ले गया हूँ। कैमरा भी आ गया, कैमरा मैंने लगाया है। ₹1,60,000 की ये लो। अगर लद्दाख कहीं भी ले जाओ ऐसे, भाई ये क्या है आपके आगे? तो ये गोप्रो लग रहा है भाई कैमरा, जब हम ट्रैवल करते हैं तो रिकॉर्ड करते रहते हैं आसपास की चीजें। ये अपना काशी का क्रेज, ये है अपना काशी का क्रेज। और देखो भाई पेट्रोल वाले बंदे थे, पंप वाले, और काशी को देख के एकदम खुश हो गए। तो तुम्हारे भाई ने कहा भाई चला के भी देख लो, ट्राई लो, और क्या। हाँ करता हूँ, प्रीपी बाबा ब्लॉग्स के नाम से चैनल है, प्रीपी बाबा ब्लॉग्स के नाम से। अभी तो दिल्ली जा रहा हूँ,
राइड के लिए कुछ सामान लेना है, केदारनाथ की राइड करनी है, उस लिए कह रहा हूँ हेलमेट लगाया करो, हेलमेट। ठीक है। अरे चाचा हाईवे पे, और ये एरिया जो है ना, ये लगता है गजरौला से आगे का। अभी थोड़ी सी दूर पे चल के आगे गढ़गंगा है, मैं आपको गढ़गंगा भी दिखाऊंगा। लेकिन आज जो है अपन थोड़ा ना लेट हो गया है, क्योंकि जिस टाइम सूरज छुप रहा होता था ना, तो तुम्हारा भाई होता था गाजियाबाद के आसपास। लेकिन आज क्या है कि घर से ज़्यादा देर से निकलना हुआ, तो भाई देर इसलिए होगी क्योंकि है गढ़गंगा। और ये जो है ना, ये गढ़गंगा का पुल है भाई, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये अभी नया लगा है, पहले ऐसा नहीं था यहाँ पे। जय गंगा मैया। तो देखो भाई, ये है गंगा मैया गढ़गंगा। कभी आप लोग यहाँ पे शाम में आना तो बहुत अच्छा लगेगा। शाम में क्या, पूरे दिन कभी भी आ सकते हो। बहुत नाव वगैरह आपको यहाँ पे मिलने वाली है, और बैठ के आराम से आप बोटिंग करो। तो यहाँ चलते हैं, जय गंगा मैया। आपको बता दूँ यार, मैंने जो है ना केदारनाथ राइड का प्लान तो कर लिया है, और मेरा जो प्लान है ना अभी तक तो सोलो जाने का है, यानी मैं सोलो जाऊँगा। बट अभी मेरी एक फ्रेंड से और बात हुई है, वो मेरे साथ जाने को कह रहा है। अगर वो चलता है, विजय का तो आप जानते होंगे, आपने देखा होगा मेरी जागेश्वर बागेश्वर वाली सीरीज में, तो विजय जो है अपने साथ जाने को कह रहा है। अगर विजय चलता है तो ठीक है, ना तो तुम्हारा भाई जो है ना फिर सोलो ही जाएगा, और टेंट वगैरह लगा के फिर अपन का रहने का प्लान है। और जो रजिस्ट्रेशन मैंने अभी देखे हैं ना भाई केदारनाथ में, तो वो अपना जो रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, वो 30 तारीख का हुआ है। परेशानी सारा सब कुछ बाबा के हाथ में है। बाबा चाहें तो तुम्हारी यात्रा को एकदम सरल करते हैं, और बाबा चाहें तो तुम्हारी यात्रा को कठिन से कठिन करते हैं। और भाई ये शंकर जी हैं, अपनी यात्रा में दर्शन करने से पहले भाई थोड़ा सा आपकी परीक्षा तो लेंगे ही, इसीलिए। क्या शानदार व्यू है, और देखो सारी गाड़ियां रुक गई हैं, लेकिन अपनी काशी जो है ना सट से जाएगी, कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। भाई टू व्हीलर का अपने को ना सबसे ज़्यादा यही चीज़ पसंद है कि टोल पर जाकर ना भाई टोल वोल नहीं लगता। बट आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप बड़े हाईवेज पर जाते हैं, यमुना एक्सप्रेस वो हो गया, और आगरा एक्सप्रेस वे पे आप जाते हो, तो काफ़ी सारे ऐसे ऐसे इंडिया के अंदर बड़े हाईवे हैं जहाँ पर ना आपकी टू व्हीलर का भी टोल लगने वाला है। यानी अगर उन हाईवेज पे आप टू व्हीलर लेके जाओगे तो आपको उन रोड पे चलने का पे करना पड़ेगा। लेकिन इस वाले हाईवे पे काशी को अपने कोई पैसा नहीं देना है। ये देखो भाई क्या शानदार, बहुत बढ़िया गजब रोड कर रखी है। छोटा सा स्टॉप पर यहाँ देखो, ये खड़ी है अपनी काशी, क्या शानदार लग रही है भाई। सच में काशी को लेने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हेलमेट डाल लो। अब सही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ नहीं तो हेलमेट तो ज़रूर डाल के चला करो, और अगर राइडिंग गियर्स आपके पास है ना तो फिर क्या ही बात है। लेकिन अगर इतनी चीज़ें नहीं है, बट एक हेलमेट तो यार ज़रूर डाला करो कभी भी, चाहे 50 किलोमीटर चलो, चाहे 100 चलो, चाहे 25 चलो, बट हेलमेट लगा के मेरे भाई। क्योंकि जब आप लोग घर से निकलते हो तो बहुत लोग आपका इंतज़ार भी करते हैं। हाईवे पे ना देखा था की लाइटें जल रही है भाई, ये चेक करो, एक नंबर का व्यू आ रहा है, और तुम्हारा भाई अभी चल रहा है 100, और यहाँ पे इससे नीचे नहीं चल सकते, पीछे ना गाड़ी है भाई, बहुत तेज चल रही है। अगर बाइक के अंदर आती है तो बहुत शानदार, क्या बात है। ये देखो मेरे भाई, खतरनाक चल रही है, देख रहे हो, इंपल्स एक्सपल्स। आना शुरू कर दिया, कभी आगे निकल रहा है, कभी पीछे निकल रहा है। देखो ये यहाँ से भी मारेगा कट, मैं बता रहा हूँ ना भाई, पता नहीं क्यों मेरे देखने के बाद लौंडा ये फुल जोश में आ गया है। चुन्नी ठीक करो, चुन्नी आ जाएगी पन्नी पैर में।
मैं कह रहा हूँ ये जाली जो है ना, जाली जाली ये अड़ जाएगी यार, क्लोज निकालोगे तो ये अड़ जाएगी जाली जो है, अगर क्लोज निकालोगे दो तीन बार निकाल दी, समझ रहे हो? हाँ यार, भयंकर जाली बांध रखी है और ऐसे ऐसे निकाल रहा है दो तीन बार, और इसकी जाली है बाइक में अड़ते ही डिसबैलेंस बिगड़ जाएगा। देखो भाई अपने आगे हार चली, हार ले, क्या साउंड है भाई, बाबा इस बाइक की, इसका भी तोड़ नहीं है भाई, एक नंबर गाड़ी है। ओ भाई इसका खतरनाक भाई भगा रहा है, खतरनाक साउंड आ रही है भाई, एग्जॉस्ट साउंड करके मजा आ गया।